हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स ऑफ अ पेमेंट सिस्टम। एक पेमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक पेमेंट सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसके बारे में हमारा आज का ये टॉपिक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। बट इसको स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। आप चाहें तो हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं, जिसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद अगर आप हमारे चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं तो अच्छा, बेल आइकन क्यों दबाना है मैं वो भी तरह से आपको बता दूं। बेल आइकन अगर आप दबा देते हैं और तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप आप तैयारी अपने ठीक तरीके से कर पाओगे। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप तैयारी नहीं कर पाओगे, है ना? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा दो। इसके बाद अगर आप सोचते हो कि आपको हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान लेना है, जो कि कतई जरूरी नहीं है लेना, आप चाहो तो उसकी एडवांटेजेस हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, बीकॉम में जाना है और यहाँ पे एक छोटा सा नॉमिनल सा पेमेंट पेमेंट करना है इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको असाइनमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, 24/7 आपको सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। साथ ही साथ आपको बहुत ही लो कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे। इसके अलावा आप मुझसे डायरेक्टली काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे डायरेक्टली मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, या आप चाहें तो ऑन डिमांड लेक्चर भी बनवा सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है? इसके अलावा मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी आप स्टडी करें, आप हमारे प्लेलिस्ट में आए। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर तक की जो सेमेस्टर वाइज जो भी स्टडी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की टोटल 6 सेमेस्टर है, उन सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर ढेर सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जिनको देख करके आप अच्छे मार्क्स एग्जामिनेशन में ला पाओगे, ठीक है? तो आज के टॉपिक की तरफ चलने के पहले मैं एक चीज और बता दूं कि आप चाहें तो हमारे इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको यूट्यूब का जो है लेक्चर का लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाता है कोर्स वाइज। यहाँ पे देखो मैंने सब कुछ मेंशन करके रखा है, साथ ही साथ यहाँ पे मैं नोट्स भी अपलोड करने वाला हूँ बहुत ही जल्दी से। तो आप हमारे इस वेबसाइट को भी आकर के चेकआउट कर लीजिए, इसको देखते रहिए। आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बीकॉम ओल्ड, बीकॉम न्यू, स्टेटस चेक करना है कहाँ तक पहुंचा है आपका बुक, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है? तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स ऑफ अ पेमेंट। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है भाई, वो होता है हमारा सिक्योरिटी का, ठीक है ना? सिक्योरिटी है पहला, दूसरा है यूजर एक्सपीरियंस, है ना? इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। ओके देन, सो सिक्योरिटी इज अ मैसिव कॉज ऑफ कंसर्न व्हेन पेमेंट्स बिकम डिजिटल इन नेचर, है ना? तो सिक्योरिटी जो है एक बहुत ही मैसिव, एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बन जाती है जब आप अपने पेमेंट को डिजिटली करते हो, क्योंकि आपकी जानकारियां जो है दूसरे व्यक्ति के पास जाती हैं, उसके पास इकट्ठा होती हैं, है ना? सो राइट फ्रॉम द नीड टू बीइंग एबल टू अश्योर दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज एंड दैट देयर मनी इज इन सेफ हैंड्स। देखो, अब जब आप अपने पैसे को गूगल पे में या पेटीएम में या फिर किसी भी और पेमेंट सिस्टम में डालते हो तो आपको एक डर रहता होगा ना शुरू में कि भाई मैं पैसे डाल रहा हूँ, कहीं मेरा पैसा अगर अगले दिन गायब हो गया, कहीं चला गया तो उसकी सेफ्टी आपको चाहिए, उसकी सिक्योरिटी आपको चाहिए। इसके अलावा जब आप सारी चीजें करते हो तो आप अपना केवाईसी फिलअप करते हो, वहां पे आप अपने सारे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, सारी चीजें आप वहां पे लिंक करते हो, है ना? तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास जा रही है, तो आपको इस बात का भी डर होगा कि कहीं वही वो इन्फॉर्मेशन जो एक तरीके से चोरी ना हो जाए। तो सिक्योरिटी जो है बहुत ही बड़ा एक मेजर पॉइंट है, मैसिव एक कॉज ऑफ कंसर्न है पेमेंट गेटवेज के लिए, ताकि वो इन चीजों का ख्याल रखें, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनका भी ख्याल रखें, और साथ ही साथ जो पैसे हैं हमारे हैं वो भी उनका भी ख्याल रखें, ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो ये उनका सबसे पहला काम होता है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा होता है यूजर एक्सपीरियंस, आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, है ना? यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आप उसी प्लेटफॉर्म पे बने रहोगे, जैसे गूगल पे है, फोन पे है, अमेजन पे है, बहुत सारे पेज हैं, तो आप कौन से पे रहना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो किसी एक पे ही आप रह पाओगे ना, एक से ज्यादा दो पे रह पाओगे, तो आपको वो चूज करना पड़ेगा। और वो किस बेसिस पे चूज करेंगे, आप यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे चूज करेंगे। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, उसका इंटरफेस अच्छा है, तो आप वहीं स्टे कर जाएंगे, है ना? सो कंपनीज आर टेकिंग यूजर एक्सपीरियंस सीरियसली एंड क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम आर इनोवेटिवली रीडिजाइनिंग क्रूशियल इंटरफेसेस। तो अभी के टाइम पे जो कंपनीज के नाम मैंने आपको बताए हैं, वो अभी यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ही सीरियसली ले रही हैं। वो चेक कर रही हैं कि लोग कितने ज्यादा एंगेज हो रहे हैं उनके ऐप के साथ, और वो अपने ऐप को जो है कॉन्टिन्यूसली रीडिजाइन कर रही है क्रूशियल इंटरफेसेस के साथ, ताकि लोग जो है उसके साथ एंगेज रहें और उनके पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल जो है ज्यादा करें।
Although when a new product or application is first launched, the emphasis may be on the reception of the overall idea. Over time, it has been tested and proved that applicants with a great user experience can launch the businesses to a new platform, to a whole new platform, है ना? तो आपका अगर business, you know, user experience अगर बहुत अच्छा होगा, तो लोग आप में ज्यादा से ज्यादा engaged होंगे और आप एक तरीके से अपने business को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हो। लेकिन जब भी कोई application पहली बार launch होता है ना, जब पहली बार launch होता है, तो उसका जो सारा का सारा emphasis जो है, वो उसके overall idea, over time के ऊपर होता है। लेकिन बाद में जाकर के test करने पे ये पता चलता है कि जो user experience है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आपका user experience अच्छा नहीं है आपके ऐप का, तो आपका ऐप हो सकता है आने वाले समय में बंद हो जाए या ना चले, राइट? सो यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर कंपनीज आजकल बहुत ध्यान देती हैं। सो दूसरा रिक्वायरमेंट ये होता है कि पेमेंट सिस्टम्स को, यू नो, यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। अगला है फंक्शनैलिटी, उसके बाद है परफॉर्मेंस और उसके बाद है डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है? तो चलिए फंक्शनैलिटी के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं। सो फंक्शनल टेस्टिंग कंप्राइजेज ऑफ फंक्शनैलिटी टेस्टिंग व्हिच इज फीचर वैलिडेशन ऑफ एन एंटायर फंक्शन और कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, है ना? सो फंक्शनल टेस्टिंग जो होती है, वो एक तरीके से फंक्शनैलिटी टेस्टिंग करने के लिए की जाती है ना? उसमें असल में ये देखा जाता है कि जो ऐप है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना? विच इज अ फीचर वैलिडेशन, जो कि वैलिडेट करता है आपके पूरे के पूरे फंक्शन को, आपके प्रोडक्ट को, कि भाई जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है, आपका फंक्शनिंग जो है वो ठीक तरीके से हो पा रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करें। कंपनी भी इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोवाइडेड एंड टू एंड टेस्ट कवरेज ranging right from the requirements gathering stage in order to ensure that the defect rates are reduced, है ना? तो जो भी software companies है, जो ये softwares बना रही हैं, applications बना रही हैं, Google पे हो गया, phone पे हो गया, ये actually end to end, you know, test coverage का जो भी data होता है, उसको वो record करके रखती है, ताकि किसी भी stage पे अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो उसको तुरंत जो है ठीक कर सके, जो भी defect है, जो defective rates जो आते हैं, उनको वो एक तरह से reduce कर सके, ताकि आपका जो app है, जो उनका app है, वो function ठीक तरीके से कर पाए। उनका ऐप ठीक तरीके से फंक्शन कर पाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी लाइफ आसान होगी। आप समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से चीजें जो है वो होती हैं। अगला है परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज अनडाउटेडली क्रूशियल। परफॉर्मेंस टेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट फ्रॉम द मॉनिटरिंग, राइट फ्रॉम मॉनिटरिंग द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द एप्लीकेशन टू इंश्योरिंग दैट द लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग आर डन। परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज नेसेसरी। Performance testing is necessary to gauge that overall and the app is respond like it has been intended to, है ना? So जो performance testing होती है, वो एक तरीके से बहुत ही crucial होती है, हर ये, you know, तैयारी करने के लिए, you know, जो भी companies होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनके performances को check करती हैं, उनके applications को, ताकि उनका जो, you know, stress अगर आप बहुत ज़्यादा देते हो, अगर आपका application में 1 करोड़ लोग हैं, बहुत ज्यादा बोल गया मैं, अगर 10,000 लोग आपके application को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो definitely आपका जो application वो थोड़ा slow हो सकता है, है ना? तो उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते रहने के लिए वो जो है उनकी परफॉर्मेंसेस को चेक करती हैं, और जो भी स्ट्रेस आप उनके ऊपर डालते हो, उनके स्ट्रेस की जो झेलने की जो क्षमता है, वो उसको बढ़ाते रहते हैं, ताकि ओवरऑल देखा जाए तो ऐप का जो रिस्पॉन्स हो वो बहुत ही अच्छा हो। मतलब जो जैसा अभी अगर 1 लाख लोग हैं किसी ऐप पे, तो आप अगर वो स्लो चलेगा तो फिर तो आप वहां पे रहोगे नहीं ना, है ना? तो वो उसके परफॉर्मेंस का जो स्ट्रेस है, वो उसको एक तरीके से झेलने लायक बनाने के लिए वो लोग हमेशा मेहनत करते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ताकि वो और भी बेहतरीन ऐप बन पाए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू एप्रोप्रिएटली डिटरमाइन द फाइनेस्ट अप्रोच एंड बेस्ट मेथोडोलॉजी फॉर परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड इट इज सब्सिक्वेंट वैलिडेशन, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एप्रोप्रिएटली आप ये डिटरमाइन करो कि कौन सा अप्रोच जो है वो फाइनेस्ट अप्रोच होगा आपके परफॉर्मेंस को एक तरीके से चेक करने के लिए, है ना, और उसको वैलिडेट करने के लिए। तो ये काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है डेटा इंटीग्रिटी। सो कॉम्प्रोमाइजिंग सच डेटा कैन लीव डिस्टॉर्ट consequences and banking organization must take care to never be at the receiving end of such a disaster, hai na? So jo compromising data hai, jo data aapka ek tarike se chori ho ja raha hai, jo compromise ho ja raha hai, wo ek tarike se kisi bhi bank ke liye, kisi bhi vyakti ke liye bahut zyada disastrous ho sakta hai, uske upar bahut zyada nuksan usko pahunch sakta hai agar uska data chori ho jata hai to, hai na? So jo banking organizations hote hain, unko is baat ka dhyan rakhna chahiye ki wo ek tarike se us disaster ko
रिसीव करने वाले एंड पे ना हो, क्योंकि अगर वो उस चीज को रिसीव करेंगे तो उनका डेटा चूंकि सबके पास चला जाएगा, तो एक तरीके से हैकिंग की जा सकती है, आपके डेटा को इस्तेमाल करके आपके पैसे सारे उड़ाए जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो है पॉसिबल है अभी के टाइम पे, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन पे कनेक्टेड है, तो बहुत सारी चीजें अभी पॉसिबल है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको जो है अपने काम को करना रहता है। सो दीज फाइव आर द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट मेट्रिक्स ऑफ अ पेमेंट सिस्टम। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।